अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां नशे में डूबते युवाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की नींव टूटी है और अब युवाओं के बीच में जाकर मुखबिर तंत्र तैयार किया जा रहा है। लोगों को अवैध मादक पदार्थों की बिक्री खरीदी करने वालों की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के सभागार में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जहां कॉलेज के छात्रों के साथ प्रोफेसर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मादक पदार्थों के सेवन और उससे होने वाले नुकसान के संबंध में जानकारी दी। वहीं अपने आसपास फैल रहे इस प्रकार के कारोबार की जानकारी देने के लिए नंबर उपलब्ध कराए। पुलिस ने किसी भी प्रकार की सूचना देने वालों की जानकारी गोपनीय रखने की बात कही है। आइए दिखाते हैं परिचर्चा और सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने क्या कहा है। आज TRS कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत ये विशेष परिचर्चा आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोगों ने बच्चों से और टीचर से संवाद किया है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि न केवल वो खुद इस लत में ना पड़े, बल्कि अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोग और अपने समाज के लोगों के बीच यह जागरूकता फैलाएं कि हमको नशे की लत में नहीं जाना है और अपने कैरियर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, ताकि हम अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर सकें। बहुत ही अच्छी और सकारात्मक चर्चा हुई है। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट लगाने की भी इनसे अपील की है और बच्चों को बताया है कि अपने खुद के सुरक्षा के लिए, परिवार के सुरक्षा के लिए हम हेलमेट लगाएं, न कि चालान के डर से या पुलिस चेकिंग के डर से। बड़ा अच्छा और सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। अगर आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा नशे की ओर जा रही है, क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों को हमने कहा है कि आप नशा करो तो अच्छे स्वास्थ्य का करो, अच्छे कैरियर का करो, अच्छी पढ़ाई का करो, एक बड़ा आदमी बनने की करो। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह ऐसे अभियान जागरूकता के चलाए जा रहे हैं और बच्चों को फोकस करने के लिए कह रहे हैं कि वो अपने पढ़ाई और अपने कैरियर पर फोकस करें। युवाओं से संवाद के तहत नशे से बचने की सलाह, नशे के दुष्प्रभाव पर चर्चा की गई। युवाओं ने काफ़ी उत्साह दिखाया और हमारा साथ देकर, हमारी टीम का साथ देकर सूचनाएं देने का, सहयोग करने का आश्वासन दिया और अपने एक एक साथी को नशे से दूर रहने का संकल्प लेने का आज उन्होंने हमको आश्वासन दिया। हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर ज़्यादा, जैसा कि आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगातार हम लोग बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, साथ ही साथ पब्लिक के पास जाके उनसे मिलकर दुष्प्रभावों से परिचित करा रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सूचनाएं दें, जिससे कि हम लोग और अधिक कार्रवाई कर पाए।